सुविंदर विक्की, वेलकम टू सीएनएन न्यूज 18। जी थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सुविंदर जी, यू आर द टॉक ऑफ द टाउन राइट नाउ। योर शो कोरा हैज बीन कॉल्ड द बेस्ट सीरीज ऑफ 2013। फ्रॉम करण जौहर टू दीपिका पादुकोण टू मेनी फिल्म मेकर्स एंड क्रिटिक्स आर रियली रेविंग अबाउट योर परफॉर्मेंस। हर एक इंसान आपकी तारीफ कर रहा है, आपके किरदार की तारीफ कर रहा है। इस कामयाबी का एहसास आपको कब हुआ था, नहीं, जब ये कामयाबी शो ड्रॉप अभी हुआ? देखिए, आई डोंट नो, मतलब मुझे तो अभी लॉन्ग वे टू गो, बट हाँ, किसी हद तक कह सकते हैं कि चलिए ये एक सक्सेसफुल मेरा एक इवेंट है। कोहरा इज सक्सेसफुल सीरीज फॉर मी, एंड रियली थैंक यू गॉड फॉर दिस, एंड देन द मेकर्स, द क्रिएटर्स, एवरीबॉडी, राइट, स्पेशली सुदीप जी, एंड देन करणेश जी, क्लीन स्लेट, नेटफ्लिक्स इटसेल्फ, राइटर्स, दिलजीत, डिगी, राइट, माई को एक्टर्स, वरुण, मरली, एवरीबडी, राइट, एंड कैम ऑफ कोर्स कैमरा मैन। तो जो जितने भी मेन इसमें स्तंभ थे या जो लाइट वाले भी थे, सब सबका एक ये दिस इवेंट वॉज, यू नो, हर एक कलेक्टिव इवेंट ही होता है, तो दिस अगेन वॉज अ मगर कलेक्टिव फॉर मी। आपको कब एहसास हुआ था कि ये कामयाब हो गया है? आप या सर मुझे, एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट यू। हाँ, मुझे मुझे कुछ इसका एहसास 15 को ये रिलीज हुआ था, 15th of July, देन मे बी विदिन 2-3 डेज वाला ही मामला था ये। हाँ, वो रातों रात वाला ही जो कहावत है ना, वैसे ही बिल्कुल कुछ था ये। हाँ, 16-17 तक शुरू हो गए थे मैसेजेस लोगों के, इंस्टाग्राम थोड़ा सा एक्टिव हुआ मेरा, फेसबुक एक्टिव हुआ, देन पता लग जाता है आपको कि जब आपको चैनल की तरफ से होता है कि आप अब ये पोस्ट कीजिए, अब ये पोस्ट कीजिए, अब ये पोस्ट कीजिए, तो एक बार आपको लगता है कि यार पहले तो नहीं हो रहा था इतनी, मतलब व्हाई इज देयर आस्किंग फॉर सो मेनी पोस्ट एंड ऑल, एंड देन व्हाई सो मेनी यू नो कॉम्प्लीमेंट्स आर कमिंग, बिग हिट, बहुत बढ़िया है, आपका काम बहुत अच्छा है, एवरीबॉडी इज लविंग यू नो घरुंडी, बलबीर, हरलीन, एवरी कैरेक्टर, राइट। तो कुछ हद तक एहसास होना शुरू हो गया था। उम्मीद की थी करण जोहर तारीफ करेंगे आपकी, दीपिका पादुकोण ने आपके बारे में बहुत अच्छे वर्ड्स बोले। बिल्कुल अरे वो, मतलब वो तो हड़कंप वाली बात थी, मतलब मेरे ख्याल जिस दिन उनकी पोस्ट आई है करण जी की, तो जैसे होता है कि पूरा एक बवाल सा मच जाना, मतलब एक धरती हिल जाने वाला मामला होता है। सो फिर उसके बाद तो मतलब झड़ी लग गई, जैसे कि मतलब एवरीबॉडी वाज लाइक कि कौन है सुविंदर विक्की, न्यूज में भी ऐसे आने लग गया, तो मैं खुद ही अपनी न्यूज देख रहा हूँ, कौन है सुविंदर विक्की, मतलब मैं अपना YouTube खोलता हूँ तो उस पर पहले कोहरा है ना, पहले मेरी कोई ना कोई फोटो लगी हुई उसकी गेटअप में, और तो यस, अच्छा लगा, मतलब बहुत, इट वाज अ ड्रीम कम ट्रू वाली बात। अब करण जी ने इतना बोला, फिर अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स लाइक हंसल मेहता साहब, अनुराग कश्यप साहब, देन और भी बहुत एक्टर्स में, बॉम्बे निगानी जी, लॉट ऑफ एक्टर्स, देन अनुपमा चोपड़ा जी का इंटरव्यू, उन्होंने प्रेज की, तो या इट वॉज अ ग्रेट थिंग फॉर मी सर। सो देन आपके लिए क्या मोटिवेशन थी जब आप ये किरदार प्ले कर रहे थे बलबीर सिंह का इन इन कोरा? मोटिवेशन तो देखो, हर कैरेक्टर जब भी कुछ ऑफर होता है तो मतलब उसको लेके कुछ ना कुछ आपके आपको अपने अपनी प्रेपरेशन में, या जब आप उस करेक्टर को लेते हो, सुरेंद्र विक्की हटा के एक बलबीर को लाना है, या उससे पहले जो भी किरदार है, चाहे वो कैट का हो या माइलस्टोन को स्टोन का हो या चौथी कूट का, तो कुछ ना कुछ मोटिव जरूर रहती है। लेकिन इसमें एक बड़ी बात ये थी कि काफी हद तक मतलब जो करेक्टर था वो इन स्क्रिप्ट, इट वाज वेरी मच क्लियर, वेल रिटन, और पूरा पूरा से पिरोया हुआ जैसे किरदार होता है ना वो। और एक और बड़ी बात ये थी कि मतलब इसमें इसमें शेड्स बहुत है, ये नहीं था कि मतलब वो यस, एक पॉजिटिव होते हुए भी नेगेटिव बहुत ही था, कॉम्प्लेक्स है। राइट, और हाँ, नेगेटिव होते हुए पॉजिटिव भी बहुत था, घर पे कैसा माहौल रहेगा या अपने वर्क प्लेस पे वो कैसा होगा, तो ये सब काफी मतलब मेरे लिए चैलेंजिंग था, और चैलेंज इटसेल्फ इज अ मोटिवेशन, आई थिंक, है ना।
जब आपको कोई ऐसे इतना बड़ा चैलेंज मिलता है, तो फिर आप अपना दिमाग चलाते हो कि भाई अब मैं इसमें से, अब मैं कैसे इसको इसको निभाना कैसे है, राइट? करेक्टर ऑफर हुआ तो अच्छा, इतना बड़ा शो, और वो भी एक कितने बड़े मेकर्स का जिनका ऑलरेडी शो हिट था पताल लोक, है ना, हेलो और बहुत सारे शो, तो ये मेरे लिए एक बड़ी जिम्मेदारी वाला काम था, और वही एक सबसे बड़ी मोटिवेशन तो आप कह सकते हो वहीं से ही तो थी। देन क्या आपने अपने माइंड में कोई बैक स्टोरी कंस्ट्रक्ट की थी जिसने आपकी मदद की वाइल परफॉर्मिंग, दो सीन्स जिसमें काफी लंबे साइलेंसेस हैं, या एक थकान हमको नजर आती है एक पुलिस मैन की, या उसकी फ्रस्ट्रेशन नजर आती है बिकॉज उसकी जो पर्सनल लाइफ में चीजें घटित हो रही थी? बिकॉज इट इज नॉट कि आप एक दिन या चार दिन, आप एक या दो, चार या 10 सीन कर रहे हैं। आई थिंक ये दिस मस्ट हैव बीन शॉट फॉर अ लॉन्ग टाइम। या मेरा तो मतलब मुझे लगता है कि शायद इंडिविजुअली मेरे अगर नंबर ऑफ शूटिंग डेज इसमें कुछ थे, तो आई थिंक मोर देन 50 डेज और सो, राइट? तो 50 days काफी, मोटिवेट रहने के लिए क्या आपने हाँ अपने माइंड में कोई बैक स्टोरी कंस्ट्रक्ट की थी इस किरदार की? नहीं, बैक स्टोरीज तो देखो वो तो एक करेक्टर डेवलपमेंट का एक हिस्सा है, कि मतलब अब हम बलवीर को दिखा रहे हैं कि रिटायरमेंट एज के ऊपर है वो, तो जब ये केस उसके पास आता है तो थोड़ा थका हुआ सा है, क्या यार यही आके मरना था, एंड हिज फर्स्ट डायलॉग इज लाइक दैट, है ना, एनआरआई है बट व्हाई दिस प्लेस, ओह शिट मैन, अगेन वी हैव टू, फिर से वो हमें उसमें जाना पड़ेगा, फिर नई इन्वेस्टिगेशन, ये वो सब। तो उससे पहले का जो बलवीर हो सकता है ना, जो थोड़ा उसका यंग एज दिखाया भी गया है इसमें, जो उसका घरेलू हालात कैसे थे या क्या थे, तो वहां से बैक स्टोरीज दैट पार्ट कह सकते हो कि मतलब जो जो चीज इसमें ज्यादा नहीं दिखाई गई या जो नहीं बिल्कुल भी दिखाई गई, तो वो एक बैक स्टोरी का पार्ट हो सकता है कि कब इसका जन्म हुआ होगा, आज इतने साल का, तो उस साल को लेके अब तक बीच में क्या क्या इस बंदे ने किया होगा। तो हाँ, वो थोड़ा बहुत ये चीजें सोच के जरूर चलना पड़ता है, कि वही जो मोटिवेशन वाली आपने बात की कि और कहाँ से ये चीजें ले सकते हैं बलबीर को, और ऑथेंटिक और ऑर्गेनिक करने के लिए। ये शो एक मर्डर मिस्ट्री है। हमने इसमें वो पंजाब देखा है जो हम मोस्टली पंजाबी फिल्मों में नहीं देखते हैं। दे टॉक अबाउट कॉमेडी, बट इसमें हमने एक पंजाबी माइंडसेट देखा है, और ये शो ज्यादातर पंजाबी में है। डू यू थिंक एक रियल पंजाब की पिक्चर पेश की है कोहरा में मेकर्स ने? एंड आर देर पार्ट्स ऑफ पंजाब डू यू थिंक जो अभी भी फिल्मों में नहीं दिखाए जाते? नहीं, वो तो देखिए जरूरत है, मतलब अब जिसको जिसको जितना दिखाना है या जितना, ऐसा नहीं है पंजाब एक, पंजाब का तो नाम ही अपने आप में मतलब पंजाब, पांच दरियाओं की धरती, देन फिर अगर हम यहाँ के कल्चर की बात करें, यहाँ के खाने पीने की बात करें, गुरुओं पीरों फकीरों की धरती, है ना, तो दसा गुरा की गल करिए जे, तो मतलब देर आर लॉट ऑफ सब्जेक्ट्स, और यहाँ मैं यहाँ पे मिट्टी की बात करना, किसानी और वो सब, तो अपने आप में बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। लेकिन अब हाँ ठीक है, पहले फिल्मों में पंजाब को, पंजाब में हो सकता है सरसों के खेती यूज किए उन लोगों को, तभी वो पीले फूल ही चाहिए थे डांसिस के लिए, या अब भंगड़ा को वो करना था, और पंजाबी म्यूजिक वेरी पॉपुलर, अभी बॉलीवुड में काफी टाइम से यूज हो रहा है फिल्मों में हमारी, और आज भी मतलब डिफरेंट डिफरेंट तरह का म्यूजिक जो है हिट है, पंजाब का हर सिंगर जो है उसके गाना गाया जा रहा है फिल्म में, या उनको उनको सुना जा रहा है, तो काफी है एरियाज, बहुत वास्ट एरिया एरियाज पड़े हैं इसमें। तो हाँ, मतलब ये जरूर है कि कोहरा में थोड़ा सा एक वो पक्ष दिखाने की कोशिश की गई है, कि जो एक इंसान के अंदर का द्वंद्व, जो शायद मतलब कि घर में क्या जा रहा है, अब ठीक है पुलिस वाला है, उसका मतलब ये तो नहीं है कि पुलिस वाले सब क्रूर ही होते हैं, मतलब बिना छितरा तो काम गल ही नहीं करते, या मतलब वो नहीं है कि मतलब चांटा या मार कुटाई पुलिस का, नो, उनके अपने, उनके भी दिल है, वो भी इंसान है, वर्दी पहन लेने से कोई इंसान हैवान तो नहीं बन जाता, या कोई हैवान इंसान तो नहीं बन जाता, है ना, तो इसी तरह से मतलब ठीक है, एक पेशा है, एक उनका जैसे पार्ट ऑफ देयर जॉब, तो उनके अंदर भी दिल है, उनके भी घर है, वो भी सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करके लंच लेके आते हैं साथ में, मतलब एक रूटीन में जैसे होता है ना,
उनके घरों में भी चीजें चलती हैं या चलती होंगी। ये नहीं कह रहा कि मतलब सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट का, इसके अलावा भी, पुलिस डिपार्टमेंट के अलावा भी इसमें अपने घरों में और जो इसमें द्वंद या वो जो एक ह्यूमन कॉन्ट्राडिक्शन जो दिखाए गए हैं, तो हाँ डिफरेंट है। मतलब शायद इसीलिए लोगों को पसंद भी ज्यादा आ रहा है, क्योंकि हर कोई डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर से रिलेट कर रहा है। किसी को बलबीर में लग रहा है कि वो मेरे से रिलेट कर रहा है, या किसी बेटी को लग रहा है कि मेरे पापा बलबीर जैसे हैं, या किसी पापा को लग रहा है, या तो एक जो जो घरों में छोटी छोटी जो एक चीजें इसमें इन्वेंसेस दिखाई गई है ना, एक रिलेशंस को लेके, राइट। और शायद इसके पॉपुलर होने का या लोगों द्वारा इसको पसंद किए जाने का ये एक बड़ा कारण है कि तो इसमें, हाँ मतलब कि एक एक दिल को जो टच किया है ना, मतलब एक ह्यूमन हार्ट को, दैट्स द ग्रेटनेस ऑफ द स्टोरी एंड द थॉट, यू नो। अगेन क्रेडिट गोज टू सुदीप जी, तुलसी जी, द होल टीम ऑफ कोरा, एवरीबडी, मेकर्स एंड नेटफ्लिक्स स्पेशली। ये सर डेफिनेटली बिलोंग्स टू सुविंदर विकी, क्योंकि अभी आपने हालांकि यू गेटिंग लॉट ऑफ प्रेज फॉर कोरा, एंड नाउ कमिंग अप नेक्स्ट इज द प्रीमियर ऑफ पंजाब 95, जिसे डायरेक्ट किया है हनी त्रेहान ने, जिसमें आपके को स्टार हैं दिलजीत दोसांझ, और वो फिल्म प्रीमियर होने जा रही है द अपकमिंग टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में। हमें वो बताइए फिल्म के बारे में, और कब आपने साइन की थी पंजाब 95? साइन तो ऑब्वियसली शूटिंग से पहले की थी, तो अब शूटिंग वाज मेरे ख्याल अभी एग्जैक्टली सा ऐसा तो नहीं याद, बट हाँ आई थिंक आई वाज डूइंग, मैं शूट कर रहा था कैट सीरीज की शायद, तो उस दौरान हुई थी वो फिल्म, मतलब मुझे ऑफर, एंड इज अ वेरी गुड पर्सन अगेन। मतलब मुझे तो चलो लकीली अब तक ये है कि सारे ही बड़े प्यारे बंदे मिले। उस फिल्म का ज्यादा तो अभी कुछ नहीं बता सकता हूँ कि क्योंकि अभी फिल्म उस लेवल पे है कि ज्यादा बात कर नहीं पाऊंगा। दिस इज बायोपिक का, हाँ, तो खालड़ा जी के जीवनी के ऊपर है, बहुत बड़े एक्टिविस्ट हुए हैं पंजाब में, तो ह्यूमन राइट उस, एक्टिविस्ट। हाँ, ह्यूमन राइट्स के, तो उसमें मेरा एक किरदार है। ऑब्वियसली कुछ डिफरेंट करने की कोशिश की है, जब सामने आएगा तो आप लोगों को लगेगा कि यस कुछ अच्छा किया है, बस अभी फिलहाल यहीं तक। सुंदर जी, आप मे भी ब्रीफली बताना चाहेंगे हमें अपनी जर्नी के बारे में ऑफ बिकमिंग एन एक्टर, जो अबाउट योर अर्ली डेज। सर वो मतलब लंबा तो सफर है, यू नो, मतलब ब्रीफली तो ये है कि चलो अर्ली एज जब स्कूलिंग में था तो स्कूल में तब से ये शौक पड़ा, फिर धीरे धीरे डेवलप होता होता कॉलेज तक गया, फिर यूथ फेस्टिवल्स, देन वहाँ से चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी लेवल तक, हाँ जी, चंडीगढ़ से शुरू शुरू हुआ था, और फिर यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला में मास्टर्स किया मैंने थिएटर एंड टेलीविजन, एंड देन सिलसिला शुरू हो गया होते होते, तो अभी 20-22 साल का सफर है जो, सो आज रिकग्निशंस अगर मिल रही हैं तो ये एक लर्निंग प्रोसेस था मेरे लिए, इतना जरूर कहूँगा। हर साल या हर महीना या हर काम से मैं सीखता 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 आज ये, और कोहरा भी काफी कुछ सिखा के गया मुझे, तो वाहेगुरु की मेहर होगी, अब आगे कुछ काम आएगा तो उसमें कोशिश करूंगा कि कुछ और अच्छा करने की कोशिश करूँ। तो क्या आपका अभी भी फर्स्ट लव इज थिएटर? अगर मैं पर्सनली ये चीज बोलूँ तो मुझे काफी कुछ थिएटर ने जिनमें ने सिखाया, जिनमें पेशेंस, एक आपको ईमानदारी है ना, पेशेंस, क्योंकि अब आपका करेक्टर मान लीजिए छोटा है, आपका करेक्टर नाटक के शुरू में आ गया, तो आप उसके बाद, लेकिन यू आर स्टिल सिटिंग देयर, यू आर वॉचिंग द रिहर्सल फॉर 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, जितनी भी चल रही है, और फिर अगेन एंड अगेन रेपिटेडली आपको वो महीना, 2 महीने, 1.5 महीना, जितना भी प्रोसेस होता है, सो हाँ वो पंक्चुअलिटी, ऑब्वियसली वो से टाइम पे पहुंचना है वरना डायरेक्टर सॉन्ग है, तो ये सारी चीजें थिएटर सिखाता है जी, बिल्कुल सिखाता है। और फिर एक तालियों की जो गड़गड़ाहट है वो आपको जो सुकून देती है ना, तो उससे क्या है कि आपके अंदर और जज्बा भरता है कि यस मुझे करना है इस फील्ड में। और वो फिल्मों में वो कैसे मदद करता है, वो पेशेंस फिल्मों के में या
पेशेंस तो देखो जरूरी है, क्योंकि मैंने अर्ली डेज में जो मैंने काम शुरू किया था तो ऐसा तो नहीं था कि मुझे हमेशा इतना बड़ा ही करेक्टर मिलता गया है। नहीं, मैं तो बड़े छोटे छोटे रोलों से शुरू किया था। एक एक सीन, दो सीन, तीन सीन, चार सीन, ऐसे करके करेक्टर्स। तो और कभी मतलब उसमें वो नहीं, मतलब कभी ये नहीं, कोई पेशेंस वाली जो बात है, पेशेंस रखता गया रखता गया तो इस लेवल का काम मिलता गया, है ना। तो या पंजाबी फिल्में हम मोस्टली जो देखते हैं, चाहे वो कैरी ऑन जट्टा हो या जट एंड जूलियट फिल्म्स हो, ये मोस्टली कॉमेडीज होती हैं। आपने भी एक ऐसी फिल्म, कॉमेडी फिल्म में काम किया था जिसका नाम था आ गए मुंडे यूके दे, जिसमें जिमी शेरगिल हाँ थे। तो उसके बाद आपने काम किया नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म चौथी कूट में। क्या रीजन है कि पंजाबी सिनेमा इतना इवॉल्व नहीं हुआ लाइक से मराठी फिल्म या अदर सिनेमा जो सेंसिटिव फिल्में बनाते हैं? नहीं, मतलब पंजाबी में भी बहुत ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ, मतलब ट्रेंड चेंज होते रहे हैं। और कॉमेडी क्या, मैं समझता हूँ कि देखो अगर रुलाना आसान नहीं है ना किसी को, तो मेरे ख्याल से हंसाना तो बिल्कुल ही आसान नहीं है, ना। क्योंकि वो एक उनका अपना मजा है। अब क्या है कि कई ऑडियंस, कुछ लोग ऐसे भी तो होते हैं जिनको सिर्फ अब खुद मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे भी हंसना अच्छा लगता है, मुझे भी कॉमेडी, लेकिन करनी भी अच्छी लगती है, कॉमेडी देखने भी अच्छी लगती है। तो मैं काफी वॉच करता हूँ, और वैसे भी खुश रहने के लिए वो अच्छी चीज है, इससे खुराक। तो ऐसा नहीं है, ट्रेंड होते रहे हैं पंजाबी फिल्म्स में भी, चेंज होते रहे हैं टाइम टाइम बाय टाइम। और चौथी कूट जैसी फिल्में आई हैं, उसके बाद नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म हरजीता वॉज अदर फिल्म जो नेशनल अवार्ड में गई है। तो और बहुत सारी फिल्में हैं, लेकिन उसमें सिर्फ ये नहीं कि कॉमेडी ही होती थी। हाँ ठीक है, कॉमिक कॉमेडी ज्यादा, मतलब थोड़ा सा ये है कि पंजाब में कहते हैं ना कि मतलब खुशहाली और वो सब हसन खेलने वाले लोग ने लाइक, है ना। तो इसलिए मेरे ख्याल से तो आई वुड लव टू डू दैट ऑल्सो। क्या पता अभी आपको ऑफर्स काफी आएंगे इस कोहरा के बाद, आई एम श्योर। मैं तो कहता हूँ जी बिल्कुल, मतलब ऑफर्स आए भर भर के आए, और मैं काम और समेटता रहूं और करता रहूं, और अपनी जो मेरी जो मालिक ने ड्यूटी लगाई है लोगों को एंटरटेन करने की, तो उसमें मैं काफी हद तक खरा उतरता रहूं। एज एन एक्टर, लाइक यू सेड, आपका थिएटर बैकग्राउंड है, बट फॉर सिनेमा, फॉर फिल्म और सीरीज, हाउ डू यू वर्क ऑन द बॉडी लैंग्वेज, द लैंग्वेज एंड द लुक ऑफ योर कैरेक्टर्स दैट यू प्ले? हाउ मच डू यू एड फ्रॉम योर ओन? लाइक क्या आप सजेस्ट करते हैं कि मैं ऐसा प्ले कर लूँ, या मैं ऐसे दाढ़ी रख लूँ, या मैं ऐसे, डू यू सजेस्ट? हाँ, सजेस्ट क्या, मतलब कोशिश पहले तो अपनी अपने ऊपर ही होता है कि बंदा कोशिश करता है, यस। उसके बाद सजेस्ट नहीं, एक बात होती है जरूर के डिस्कशंस, उसको बोलते हैं कि गेट अप डिस्कशंस, क्या हो सकता है, जैसे वेट पुट ऑन करना। कैट में आप देखोगे तो दाढ़ी का स्टाइल थोड़ा अलग था, वेट कम था, मैं हल्का दिखता था। इसमें कोहरा में मैंने 8-9 किलो वेट पुट ऑन किया है, थोड़ा पेट वेट पे काम किया, अपनी पेट बड़ा हुआ नजर आना चाहिए, तो जो उसमें शायद कम था, शायद नहीं, हाँ कम था तो कैट में। तो ये है। अब गालिब का जो किरदार था, उसमें आईवान से डिस्कशन हुई माइलस्टोन के बारे में, तो वो था कि ट्रक ड्राइवर है, मतलब मौज मस्ती वाले बंदे हैं, तो मतलब उनको कोई ज्यादा लेना देना मतलब नहीं है उन सब चीजों से। ढाबे पे रुक गए तो रुक गए, वरना बांधा हुआ तो कभी बांध लिया, कभी उतार के चले, वो लंबी जर्नी होती, तो वो एक अलग था। अब फिर वो काफी हद तक चीजें आपको मदद करती हैं, आपका आपके जो इनर मतलब कैरेक्टर है, क्या आप क्या क्या बलबीर कौन है, गालिब कौन है, या वो नेगेटिव शेड दे रहा है कि आपको आपका प्रोटैगनिस्ट है, मतलब पॉजिटिव कैरेक्टर है। तो उसी हिसाब से फिर थोड़ा बहुत ये होता है कि डिफरेंट हो जाए, काफी क्लोज आने की कोशिश करते हैं, फिर डिस्कशंस हैं, ठीक है। तो फिर डायरेक्टर्स अगर बोलते हैं कि थोड़ा वेट कम करना है या बढ़ाना है,
तो उस पे काम चलता रहता है जी। और डिक्शन पे बोलने के एक्सेंट पे, डिक्शन पे उस पर भी आप कभी कभी चेंज करते हैं अपना एक्सेंट, डिफरेंट डायलॉग लेके आते हैं मुझे मुझे मैंने अभी मुझे तो नहीं, खैर इस तरह का वो मिला मतलब मेरे को जरूरत पड़ी नहीं डिक्शन, तो जो मैं जैसे आप आम भाषा में आपसे बात कर रहा हूँ ऐसे ही जी। मेरी यही लैंग्वेज में और यही इसी इसी स्टाइल में ही मैंने उन कैरेक्टर्स में मतलब कुछ वो के हमें कुछ कैरेक्टराइजेशन करने की जरूरत उसमें नहीं पड़ी है अभी तक। तो या कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहूंगा जरूर कभी फ्यूचर में कि कुछ ऐसा डिफरेंट कर दूं कि थोड़ा सा लगे कि यार सुंदर विक्की ने कुछ अलग किया है और जी So we are looking forward to that. But जी Sukhinder, what is the big plan now? क्या आप मुंबई शिफ्ट होंगे? I'm sure आपका फोन बंद नहीं हुआ होगा with congratulatory messages. बिल्कुल, वो तो अभी तक स्टिल नॉट इवन मतलब सिर्फ इंडस्ट्री ही नहीं मतलब दुनिया के कोने कोने से मैं कह रहा हूँ मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड मतलब जहाँ जहाँ भी कोरा को देखा गया नेटफ्लिक्स की पहुंच वैसे ही अपने आप में बहुत ज्यादा है। तो मेरे ख्याल से मिडल ईस्ट तो काफी हद तक देन कनाडा ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड ये नहीं कि सिर्फ मेरे जानने वाले हैं आम जिनको आप नहीं भी जानते हो या जिनसे कभी आप नहीं एक्सपेक्ट किया होगा कि कोई मैसेज आएगा, एवरीबॉडी इज प्रेजिंग लाइक एनीथिंग मतलब दे आर लिटरली लविंग दिस कैरेक्टर, बहुत प्यार दे रहे हैं इस किरदार को, इस सीरीज को बहुत प्यार दे रहे हैं और लोग मतलब इस सीरीज को लेके बहुत उत्साहित है, एक्साइटेड है, हर एक को अच्छी लग रही है। सो मुझे लगता है कि ना सिर्फ मुझे, मेरे ख्याल से मेरे सबको एक्टर्स को या इस सीरीज के मेकर्स को, खुद नेटफ्लिक्स को बहुत दूर दूर से मुबारकबाद आती रही होगी तभी इस बिग हिट, और डायरेक्टर को स्पेशली रणदीप झा जी को मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, सुदीप जी को, डिगी को, मतलब कुलजीत को, सबको वी आर कनेक्टेड विद ईच अदर, तो पता लगता रहता है कि या अब ऑडियंसिस को आपसे बहुत प्यार है, हम उम्मीद करते हैं आप काफी काम करेंगे और काफी नजर आएंगे ओटीटी पे भी और बड़े पर्दे पे भी। हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया सविंदर, थैंक यू सो मच। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सो मच।